अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुवत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयां हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयां हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, एक बहुत ही बड़ी खबर फ़िलहाल मेरी निगाहों के सामने है, इसलिए आज स्पेशल ये भी न्यूज़ मैं आप तक बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे पूरी तरीके से अंदाज़ा है कि हमारे मुल्क की गोदी आतंकी मीडिया इन तमाम चीज़ों को बयान नहीं करेगी। आइए, इस खबर में दो खबरें हैं। पहली खबर तो ये कि जो घटिया स्कीम अग्निपथ के नाम से आई है, घटिया मैं नहीं कह रहा हूँ, मुल्क के युवा कह रहे हैं, मुल्क के पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं, मुल्क की अपोजिशन पार्टी कह रही है, और वो कितनी घटिया स्कीम है कि हजारों करोड़ की संपत्ति को जवानों ने आग लगा दिया। यानी जवान कितना घटिया समझ रहे हैं इस स्कीम को मोदी जी की। तो खैर, अब जवानों ने आत्महत्या भी शुरू कर दी है, ये थोड़ी सी मैं तफसील बताऊँगा। और इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कि पहली मर्तबा मैंने हजरत मौलाना अरशद मदनी, जो बिल्कुल सुलझे हुए अंदाज में अपनी बात रखते हैं और मुल्क को बचने की बचाने की फिक्र करते रहते हैं, राष्ट्रीय एकता का माहौल बनाते रहते हैं, कभी शायद मैंने नहीं सुना कि इतने सख्त अल्फाज उन्होंने कहे हो, लेकिन बीजेपी और आरएसएस और संघ परिवार ने और मुल्क की मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को इतना आग में झोंक दिया और इतना कानून और अदालतों का मजाक उड़ाया कि अरशद मदनी भी भड़क उठे। और जो दो दिन पहले जमीयत उलमाए हिंद की मजलिस आमिला का इजलास हुआ, उसमें मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि मुल्क में अदालतों की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, योगी जी खुद सीएम बन चुके हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, योगी जी खुद चीफ जस्टिस बन चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई वकील की जरूरत नहीं, कोई अदालत में जाने की जरूरत नहीं, कोई पेशी वेशी, कोई सुनवाई नहीं, हमारे भगवाधारी सीएम चीफ जस्टिस भी बन चुके हैं, जिसका मन चाहा, जिसके घर पर चाहा, जब चाहा इंतकाम लिया, बदला लिया, बुलडोजर चला दिया। हो रहा है, इसलिए अब लोग कह रहे हैं कि अदालतें अब मुल्क में बची नहीं है, बराए नाम अदालतें बची है। वहीं पर उन्होंने, मौलाना ने यह कहा कि मजहबी इबादत गाहों से छेड़छाड़ का जो तस्करा चल रहा है, मौलाना ने कहा कि मजहबी इबादत गाहों से मुतालिक कानून से छेड़छाड़ के इंतहाई खतरनाक नतीजे बरामद हो सकते हैं। वहीं पर मौलाना ने यह कहा कि अजीब चीज़ है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि आज से 10 दिन पहले प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, जिन शैतानों ने, बीजेपी के ही जिन शैतानों ने गुस्ताखी की, उसको लेकर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुरअमन तरीके से जिन लोगों ने आंदोलन किया, तो उनके आंदोलन को पुरतशद्दुद बनाया गया, या जो भी हिंसा फूटी है तो उसको लेकर इंतज़ामिया ने और हुकूमत ने और पुलिस वालों ने बिल्कुल तशद्दुद का, हिंसा का मामला किया, हाथ पैर तोड़ दिए, गोलियां चला दी, 2 जवान शहीद हुए हैं, और फिर मकानात पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो मौलाना ने कहा कि इंतज़ामिया का मुजाहरा और एहतजाज करने वालों के दरमियान भी मजहब की बुनियाद पर जो कार्रवाई नज़र आ रही है, ये बिल्कुल घटिया बात है, अफसोसनाक अमल है कि एक तरफ
मुसलमान सामने हैं आंदोलन में, वो जायज़ तरीके से मुतालबा कर रहा है कि तुम्हारी लाडली शैतान औरत को गिरफ्तार करो, क्योंकि मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। मुल्क को आग में जलना देखता हुआ पसंद किया मोदी जी ने, मगर लाडली और लाडले को गिरफ्तार होने आज तक नहीं दिया। अच्छा, उनको गिरफ्तार करने के लिए जिन्होंने आंदोलन किया मुसलमानों ने, तो पुलिस ने बिल्कुल आतंकियों की तरह उन पर वार किया। पुलिस स्टेशन में बच्चों को मारा गया और कुछ लोगों के घर पर योगी आदित्यनाथ का आतंकी बुलडोजर चला है। तो मौलाना अरशद बदनी ने कहा कि मुसलमान जब एहतजाज कर रहा था तो उनके साथ में कार्रवाई कुछ अलग, और अभी हजारों करोड़ की संपत्ति को 5 दिन में आग लगा दी गई, तो बड़ी बेशर्मी के साथ कमिश्नर कहता है ये हमारे अपने हैं, इनको समझाया जाएगा, इनसे बात की जाएंगी, ये हमारे अपने हैं। तो क्या फिर सवाल ये उठ रहा है, मुसलमान हमारे अपने नहीं हैं, मुसलमान इस देश के नहीं हैं? यानी खुल्ला इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से बिल्कुल मक्कारी वाला, जालिमाना, कातिलाना, हिटलराना, तानाशाही वाला अंदाज इख्तियार किया जा रहा है। तो सदर जमीयत उलमा हजरत मौलाना अरशद मदनी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुस्लिम अकलियत अगर एहतजाज करे तो नाकाबिले माफ़ी जुर्म, लेकिन अगर अक्सरियत के लोग, यानी सीधा सीधा, वो बेचारे अच्छी उर्दू में बोलते हैं तो मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि अगर हिंदू एहतजाज करें और सड़कों पर उतर कर करोड़ों की संपत्तियों को आग लगा दें, रेलगाड़ियां फूंक दें, स्टेशन फूंक दें, तो उन्हें तितर बितर करने के लिए हल्का सा लाठी चार्ज भी नहीं किया जा रहा है। इंतजामिया का यह घटिया रवैया मजहब की बुनियाद पर मौलाना अरशद बदनी ने कहा कि बिल्कुल अफसोसनाक है। आइए दूसरी बड़ी खबर, अग्निपथ स्कीम में जहां करोड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति को बच्चों ने आग लगा दिया, अब जनाब अग्निपथ स्कीम से मायूस नौजवानों ने आत्महत्या भी करना शुरू कर दी है। राजस्थान से खबर आ रही है कि राजस्थान में 2 दिनों में 2 नौजवानों ने अग्निपथ स्कीम से मायूस होकर मौत को गले लगा लिया। जी हाँ, यानी इतनी घटिया स्कीम है ये कि जवानों को समझ में नहीं आ रही। वैसे भी मोदी जी की स्कीम जिसके लिए आती है उसको समझ में नहीं आती है, सिर्फ भाजपा को समझ में आती है, भाजपा के लीडरों को समझ में आती है, बाकी किसानों के लिए लाए तो किसानों को समझ में नहीं आती, मुसलमानों के लिए लाए तो मुसलमानों को समझ में नहीं आती, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लाए मोदी जी ने इतनी प्यारी स्कीम, उनको समझ में नहीं आती। मोदी जी की स्कीम सिर्फ मोदी जी को समझ में आती है, इसलिए कन्हैया कुमार ने कहा है कि ये स्कीम नहीं है, ये पूरा स्कैम है, ये पूरा घोटाला है, ये पूरा करप्शन है। बल्कि मैंने गुज़िश्ता कल कहा था कि एक पार्टी के पदाधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि यह आरएसएस का खुफिया एजेंडा है आर्मी में घुसने का और आर्मी पर कब्जा करने का। जी हां, आर्मी पर कब्जा करने का यह आरएसएस का खुफिया एजेंडा है। तो खैर, इस स्कीम को लेकर अब जवान जो है सड़कों पर उतरे ही नहीं, बल्कि अब वो मायूस होकर के, मोदी जी ने अब जीने के लायक भी नहीं रखा तो अब वो मायूस होकर आत्महत्या भी कर रहे हैं। लेकिन ये खबर गोदी मीडिया हमारी इस अंदाज में नहीं बताएगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाकायदा आप हमारी इस इन 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 वीडियोज़ को आगे शेयर किया कीजिए ताकि लोगों को सच पता चले, क्योंकि अग्निपथ की आग ने सिर्फ रेलवे की बात करूं तो हजारों करोड़ से ज्यादा का नुकसान सिर्फ अग्निपथ की आग ने रेलवे को पहुंचाया है। इसलिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, तमाम के तमाम अब बीजेपी के इस स्कीम के खिलाफ मैदान में युवाओं के साथ उतरे हुए हैं। लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा दलाल जिसने 2013 में ज़बरदस्त अंदाज में यूं समझिए कि बीजेपी का प्रचार और प्रसार किया था, और एक वक्त ऐसा भी आया था कि उसको शलवार पहनकर भागना पड़ा था, तो उस प्रचारक ने यानी रामदेव बाबा ने यह कहा है कि जो अग्निपथ स्कीम का विरोध करे वो देशद्रोही है। यानी रामदेव के एतबार से कांग्रेस देशद्रोही, जेडीयू देशद्रोही, राष्ट्रीय जनता दल देशद्रोही, अरविंद केजरीवाल देशद्रोही, सोनिया गांधी देशद्रोही, बाकी जो भी इस स्कीम का, बल्कि भाजपा की जो दलाली करे वो इस वक्त सबसे बड़ा देश प्रेमी है। यानी ये ऐसी मुल्क की हालात बना दिए गए हैं।